दोस्तों दुनिया का नंबर वन गेंदबाज बनते ही मोहम्मद सिराज हुए भावुक। अपने पिताजी को याद करके कुछ ऐसा कहा कि जीता करोड़ों भारतीयों का दिल। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने अपने पिताजी को याद करते हुए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन गेंदबाज बनते ही भावुक बयान दे डाला दोस्तों। लेकिन इससे पहले आप भी मोहम्मद सिराज को दुनिया का महान गेंदबाज समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन गेंदबाज बनते ही कई सारे ऐसे भावुक बयान दे डाला जिसको सुनकर के आपके भी आंखें नम हो जाएंगे दोस्तों। वो भावुक बयान का वीडियो तो दिखाएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एशिया कप का मैन ऑफ द मैच और हीरो रहे मोहम्मद सिराज ने अपने दम पे एशिया कप का फाइनल जिताया था, जहां पे एशिया कप के फाइनल में श्रीलंकाई टीम को मात्र 50 रन पे ऑल आउट करके पूरे लंकाई टीम को धराशाही कर दिया था। मोहम्मद सिराज ने एक दो नहीं पूरे 6 विकेट लेकर के पूरे लंकाई टीम का लंका लगा दिया था, जो कि आप भी जानते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज ने लंका टीम की लंका लगाई थी? कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपको एक बात और बता देते हैं कि आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से, ताजा अपडेट के हिसाब से मोहम्मद सिराज को दुनिया का नंबर वन गेंदबाज घोषित कर दिया गया है दोस्तों। आईसीसी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज ने लंबा छलांग मारते हुए दुनिया का नंबर वन गेंदबाज का खिताब हासिल किया है। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। और वो अपने पिताजी के लिए कुछ ऐसा कहा जिसको देख करके आप भी हैरान व परेशान हो जाओगे दोस्तों। आपको गर्व होगा कि मोहम्मद सिराज जैसा बेटा इस दुनिया में सभी का हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया ने लगातार एशिया कप में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए एक दो नहीं पांच नहीं टीम इंडिया 8वीं बार खिताब जीतने में कामयाब रहा। और इसके साथ ही टीम इंडिया ने लगातार 8 बार खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहा दोस्तों। आपको बता दें कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव को चुना गया, वहीं पे प्लेयर ऑफ द मोहम्मद सिराज को चुना गया। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच रविवार को एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंका टीम के कप्तान दासु सनका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो थोड़ी देर में ही गलत साबित हो गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के आगे श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। दरअसल श्रीलंका टीम के लिए ओपनिंग में प्रथम निशंका और कुशल पलेरा ने मोर्चा संभाला था, जबकि पहला ओवर के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने किया था। बुमराह ने पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर कुशल पलेरा को अपना शिकार बनाया। इसके बाद श्रीलंका ने थोड़ा संभलने की कोशिश की और 3 ओवर में 1 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। मगर यहां से अगला यानी कि पारी का चौथा ओवर लेकर आए सिराज ने पूरी कहानी ही बदल दी। उन्होंने इस ओवर में 6 गेंदों पर 4 रन देकर 4 पड़े विकेट लिया और श्रीलंका टीम की आधी टीम को सिमट दिया दोस्तों। आपको बता दें कि 4 विकेट कुछ इस प्रकार से गिरे। सिराज ने पहली बॉल पर प्रथम निशंका को जंडेजा के हाथों कैच आउट कराया। वहीं पे बात करें दोस्तों तो सिराज ने दूसरी बॉल पर सदीरा विक्रमा को कोई रन नहीं बना सके और सदीरा विक्रमा आउट हो गए। वहीं बात करें दोस्तों तीसरी बॉल पे, तो तीसरा बॉल पे सिराज ने बॉल डाला, सदीरा को LBW आउट कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि सदीरा भी यहां खाता नहीं खोल सके। बात करें दोस्तों अगली बॉल यानी कि चौथे बॉल पर, तो सिराज ने चरित अश्लंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया। बात करें दोस्तों पांचवें बॉल पर, तो पांचवीं बॉल पर धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहा, मगर वो आखिरी बॉल पर सिराज ने डिसिल्वा को भी KL राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया दोस्तों। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने कई सारे इतिहास रच दिए हैं। मोहम्मद सिराज ने वनडे में 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज भी बने। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने पारी का छठा ओवर किया। इस ओवर में भी उन्होंने बड़ा विकेट झटका। सिराज ने श्रीलंकाई कप्तान दासु सनका को क्लीन बोल कर दिया। सिराज ने इस तूफानी गेंदबाज के बदौलत इसी मैच में अपने वनडे में 50 विकेट पूरे कर लिए। सिराज वनडे में के शुरुआती 50 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। उन्होंने सबसे तेज 1002 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की। इस रिकॉर्ड के मामले में श्रीलंका के ही अजंता मेंडिस टॉप पर काबिज थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 847 गेंदों पर शुरुआती 50 विकेट झटक लिए थे। इसका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन मोहम्मद सिराज दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं। सिराज ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 ओवर में 4 विकेट हासिल किए हैं। साथ ही तेज गेंदबाज सिराज इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सिराज ने 16 गेंदों पर अपने 5 विकेट पूरे किए। सिराज ने दासु सनका को अपना 5वां शिकार बनाया। फाइनल मैच में भारत श्रीलंका की 13वें ओवर में 40 के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने 8वां झटका दिया श्रीलंका को। इसके साथ ही 40 रन पे 8 विकेट गिर चुका था, जो कि हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया था दोस्तों। आपको बता दें श्रीलंका की पूरी टीम 15.2 ओवर में 50 रन पर सिमट गई थी। भारत के खिलाफ वनडे में श्रीलंका न्यूनतम स्कोर था। इससे पहले श्रीलंका को भारत ने इसी साल जनवरी में 22 ओवर में 73 पर सिमट दिया था दोस्तों। आपको बता दें कि इस भारतीय टीम को मात्र 51 रन चाहिए था 50 ओवर में। श्रीलंका टीम को हराने के लिए भारतीय टीम को मात्र 51 रन चाहिए थे 50 ओवर में दोस्तों। ये नामुमकिन सा स्कोर भारतीय टीम ने महज कुछ ओवर में 51 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम उतरी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए नहीं आया, उसके साथ में ईशान किशन, शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए। और शुभमन गिल, ईशान किशन ने पहले ही ओवर में
ईशान किशन ने एक रन लेकर के अपना खाता खोला। उसके बाद अगले ही ओवर अगले ही बॉल पे ईशान किशन ने दो रन देकर के अपने पास स्ट्राइक रखा था, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल लास्ट बॉल पे आए और शुभमन गिल ने लास्ट बॉल पे आते ही चौका जड़ करके पहले ही ओवर में 7 रन बना करके अपना मनसूबा साफ कर दिया कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं इस मैच में जल्दी ख़त्म करना चाहती है इस मैच को और जल्द जीत दर्ज करना चाहती है। भारत ने 3 ओवर के बाद ही बिना कोई विकेट के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के लगातार बैटिंग की वजह से 32 रन बना लिए। शुभमन गिल ने 8 गेंदों पर 18 और ईशान किशन ने 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अपना मनसूबा साफ कर दिया था कि एक तरफ से चौके छक्के जड़ करके पूरे टीम को निस्तो नाबूद कर देना है। दोस्तों इस मैच में श्रीलंका की टीम 50 रन पे समेटने के बाद आखिरकार एशिया कप 2023 में अपना अंजाम तक पहुंची। भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जीत दर्ज किया है, जो कि 10 विकेट के साथ साथ बॉल के लिहाज से भी 263 बॉलों के हिसाब से जीत दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें कि 263 बॉल से जीतने वाला यह फर्स्ट मैच है भारतीय टीम के क्रिकेट इतिहास का। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर बढ़िया परफॉर्मेंस करके एशिया पूरे एशियाई टीम को बता दिया कि उससे बड़ा टीम पूरे एशिया में कोई और नहीं है। आप भी हमारे भारतीय खिलाड़ियों से खुश है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। और आप एक बात और बताइए दोस्तों आप लोग एक बात मेरे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए कि टीम इंडिया एशिया कप तो जीत गई लेकिन वर्ल्ड कप 2023 जीत पाएगा क्या। इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दें।